पहाड़ों से अटखेलियां कर जब गंगा मैदानी भाग में पहुंचती है और इससे पहले कि वह विश्व प्रसिद्ध त्रिवेणी संगम पर बने त्रिवेणी घाट को छूती हुई आगे बढ़े, वो गुजरती है मुनि की रेती और तपोवन जैसी पौराणिक महत्व रखती तपस्थलियों से। टिहरी रियासत के राजा नरेंद्र शाह द्वारा बसाए नरेंद्र नगर, जो इसी गंगा द्वारा काटी गई नदी घाटी पर बसा है, आज उत्तराखंड की राजनीति में एक बड़ा स्थान रखता है। इसी नरेंद्र नगर में 26 जुलाई 1960 को जन्मे, जनता के प्यार एवं समर्थन से बने स्थानीय विधायक और काबीना मंत्री सुबोध उनियाल, जो कि पिछले 20 वर्षों से क्षेत्र के विकास की गारंटी माने जाते हैं। आज मुलाकात कराएंगे आपके एक ऐसी शख्सियत के साथ जिसने न केवल उत्तर प्रदेश, अपनी छात्र राजनीति को उत्तर प्रदेश की जमीन में सींचने के बाद उसको पहाड़ों की तरफ लेकर के आए, एक ऐसा इंसान जिसने पलायन को पलायन नहीं बनने दिया, एक ऐसा इंसान जिसने पलायन को पहाड़ की तरफ मोड़ा, हमारे आपके और इस पूरे क्षेत्र के भाई सुबोध भाई से। कोई भी आदमी आपके पास तीन कारणों से आता है, भाव, अभाव और प्रभाव। भाव का मतलब है उसका अटैचमेंट। अगर वो आपसे किसी अटैचमेंट से आपके पास आया तो आप भी उसको अटैचमेंट दे दो। अगर अभाव में आया तो यथा जो आपकी स्थिति है, जो यथाशक्ति जितना आप कर सकते हो उसकी मदद कर लो, और प्रभाव में आया तो ऊपर वाले का धन्यवाद करो कि उसने आपकी हैसियत इतनी बनाई कि आपके प्रभाव में को आपके पास आ रहा। तो इन तीन लाइनों को मैंने अपने राजनीतिक जीवन में चरितार्थ अपने इसको निहित करते हुए, अडॉप्ट करते हुए प्रयास किया कि कोई भी आदमी किसी जात का, किसी धर्म का, किसी क्षेत्र का कभी मेरे पास आया तो मुझे लगा कि इसका अगर मेरे माध्यम से इसका काम हो सकता है तो मैंने हमेशा कोशिश की उसका काम हो जाए। और यही कारण बना कि आज न केवल उत्तराखंड के बल्कि उत्तराखंड से बाहर के लोग भी जब आते हैं वोट की दृष्टि से आदमी को देखने की मेरे अंदर इच्छा जागृत नहीं हुई, और मैंने हर व्यक्ति को इंसानियत के हिसाब से देख के पूरा काम करने का प्रयास किया। मैं एक पत्रावली लेकर के आया था, उसे निर्माण के संबंध में कुछ मैं एक लिखा था मैंने कोई एप्लीकेशन, तो नेताजी ने 3-4 दिन के भीतर ही उसका सारी कार्रवाई पूरी करा दी। 400 मीटर रोड का काम था तो मैं निवेदन लेके उनके पास, उनको विधानसभा क्षेत्र में उनके मिलने में गया, तो मैंने उनको एप्लीकेशन दी और उसके बाद में तुरंत उस कार्य पे उन्होंने एकदम से अपना संज्ञान लेते हुए तुरंत उस काम को उन्होंने चालू करवाया। प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा नरेंद्र नगर में पूर्ण करने के बाद इलाहाबाद से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पढ़ाई की, और इंजीनियरिंग की यही मूल समझ आपके कार्य करने के तरीके में परिलक्षित होती है। इलाहाबाद में इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड रूरल टेक्नोलॉजी से पढ़ाई के दौरान आपका संपर्क भारतीय राजनीति में हिमालय की आवाज एवं भारतीय राजनीति के पुरोधा उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री हेमवती नंदन बहुगुणा जी से हुआ, जिनके सानिध्य में आपने राजनीति का कह कहा लगाया और आपकी राजनीति की पहली पाठशाला बना इलाहाबाद। भारतीय राजनीति के एक पुरोधा स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा के चरणों में राजनीति सीखने का, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति से जो उनका आशीर्वाद मिला और जो उनका एक जो निर्देश, जो उनकी लीडरशिप थी, उससे बहुत कुछ सीखने को मिला। इलाहाबाद में पढ़ाई के दौरान ही आपने पर्वतीय संघ की स्थापना की और इसके अध्यक्ष बने। इसी दौरान इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र संघ के संयोजक भी बने और 5 अप्रैल 1979 को
क्या पृथक राज्य के बगैर पर्वतीय राज्य का विकास संभव नहीं? विषय पर आयोजित सेमिनार में दिए गए आपके वक्तव्य ने भविष्य के एक प्रखर और ओजस्वी वक्ता होने की आप पर मुहर लगा दी। तदुपरांत आप पर्वतीय संघ द्वारा आयोजित पर्वतीय संध्या कार्यक्रमों के आयोजन और 1981 में माननीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी द्वारा बनाई गई यूथ फॉर डेमोक्रेसी के प्रदेश महामंत्री के पद पर आसीन हुए और यहां से आपकी उत्तर प्रदेश की राजनीति की यात्रा शुरू हुई। बहुगुणा जी से जो कुछ सीखने को मिला, जिस तरह से नौजवानों के प्रति उनके अंदर एक अपना तो था, नौजवान को जिस तरह कंधे पर हाथ रख के वो उसके अंदर एक ऊर्जा का संचार करते थे और जिस तरह उनका एक स्वाभिमानी चरित्र था, क्योंकि बहुगुणा जी के बारे में कहा जाता है कि हिमालय टूट सकता है मगर झुक नहीं सकता, तो उनके शरण में आया। तो उसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय में रहकर हमने इलाहाबाद के पर्वतीय लोगों को एकत्रित किया और मैं इलाहाबाद में पर्वतीय संघ का अध्यक्ष बना और इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ का संयोजक बना। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में उस समय क्या पृथक पर्वतीय राज्य के बिना पर्वतीय क्षेत्र का विकास संभव नहीं, इस टॉपिक पर हम लोगों ने सेमिनार कराया। 5 अप्रैल 1979 को हम लोगों ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में सम्मेलन कराया था, जिसमें कमला जी, मुरली मनोहर जोशी जी और काफ़ी तत्कालीन लोगों को बुलाया गया था। बहुगुणा जी से जुड़ने के बाद मुझे 1981 में उत्तर प्रदेश की तत्कालीन उस समय यूथ फॉर डेमोक्रेसी हुआ करती थी, इनकी यूथ विंग, उसके प्रदेश महामंत्री के रूप में स्वर्गीय बहुगुणा जी ने मुझे 1981 में इलाहाबाद जब यह गढ़वाल ऐतिहासिक चुनाव हुआ और ये चुनाव काउंटरमेंड हुआ, उसके बाद मुझे उन्होंने जनरल सेक्रेटरी बनाया, उससे शुरुआत हुई थी। '89 में हेमवती नंदन बहुगुणा जी के देहांत के बाद आप राजनीतिक दोराहे पर आकर खड़े हो गए, जहां एक तरफ आपके पास अपने राजनीतिक गुरु को खो देने का दुख था तो वहीं दूसरी ओर आपके सामने भविष्य की राजनीति को नियत करने की चुनौती भी थी और सभी से विचार विमर्श के बाद आखिरकार आपने 6 जून 1989 को कांग्रेस ज्वाइन कर ली और यूथ कांग्रेस के उपाध्यक्ष बने। 1987 में बहुगुणा जी का दौरा था, रात को स्वर्गाश्रम रुके, स्वर्गाश्रम से हम लोग चले तो यहाँ से लेके और बड़ियारगढ़ तक 19 जगह लोगों ने बकायदा बहुगुणा जी का स्वागत किया, कई जगह पब्लिक मीटिंग्स हुई। चौरास गए, उसके बाद लौट के जब हम लोग श्रीनगर पहुंचे तो श्रीनगर की पब्लिक मीटिंग में जब बहुगुणा जी ने ये शब्द कहा, उस दिन निश्चित रूप से अपने जो मेहनत कर रहा था उस मेहनत का जो प्रतिफल अपने नेता के मुँह से सुना तो खुशी के आंसू भी आ गए थे। जब शुरू में बहुगुणा जी एड्रेस कर रहे थे तो बहुगुणा जी ने एड्रेस शिवानंद जी, भारत सिंह जी, कुंवर सिंह नेगी जी, योगेंद्र खंडूड़ी जी और फिर बोले सुबोध उनियाल जी, अगर पहाड़ बनाना है तो ऐसे नौजवानों के साथ काम करना होगा कि जो आज मेहनत करके पहाड़ के लोगों को एक जोड़ने के साथ उनको आत्मविश्वास लाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा मैं मंत्री रहा, मुख्यमंत्री रहा, केंद्रीय मंत्री रहा, पर जो प्यार, जो स्नेह, जो स्वागत ऋषिकेश से लेके और बड़ियारगढ़ तक मुझे मिला वो कभी नहीं मिला और ये सब इस नौजवान के कामों का फल है। तो उस दिन लगा कि एक रिकग्निशन पहाड़ के अंदर राजनीतिक तौर पर मुझे प्राप्त की। दुर्भाग्य से 89 में स्वर्गीय बहुगुणा जी का देहांत हो गया। सारे परिवार के लोगों के साथ बैठ के तय किया क्या करें क्या करें। 6 जून को फिर अंततः मैंने अपने सारे कार्यकर्ताओं से बात करने के बाद कि क्या निर्णय लिया जाए, तो सारे कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की बात की। तो फिर हम लोगों ने 6 जून को 1989 में कांग्रेस ज्वाइन की। उसके बाद मुझे उत्तर प्रदेश यूथ कांग्रेस के उपाध्यक्ष के रूप में काम करने का अवसर मिला। लेकिन कांग्रेस में हमेशा की तरह हावी रहे व्यक्तिवाद ने आपको भी समय समय पर झकझोरा। 1989, 1991 और 1993 में अंतिम समय पर आपके टिकट काट दिए गए और 1996 में टिकट तो दिया गया लेकिन अंत समय तक
सिंबल न मिलने के कारण नामांकन रद्द करवा दिया गया। कांग्रेस के अंदर जिस तरह से व्यक्तिवाद हावी था, उस समय हम लोग, क्योंकि राजनीति में अगर आपके गुरु चले जाएं तो आप राजनीतिक तौर पर अनाथ हो जाते हो, तो 89, 91, 93 तीनों बार मैंने टिकट अंतिम समय में कटे। 96 में टिकट दिया तो सिंबल मिलने में हरीश रावत जी जो महान नेता हैं उन्होंने लेट कर दी, ताकि मेरा नामांकन रद्द हो जाए। अंततः मेरा नामांकन रद्द हुआ, लेकिन मैं लगातार जमा रहा और अंततः 2002 में पहली बार टिकट दिया। में पहली बार विधानसभा पहुंचे तो यहां आपको साथ मिला आपके दूसरे राजनीतिक गुरु माननीय मुख्यमंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी जी का। नारायण दत्त तिवारी जी से आपकी नजदीकियों के कारण आपको विकास के नए आयाम लिखने में भरपूर मदद मिली और आपने तमाम विकास के कार्य को करने की कोशिश की। तिवारी जी सबसे सक्सेसफुल मुख्यमंत्री रहे और जो इस राज्य की आवश्यकताएं थी, जिस अपेक्षा थी राज्य का निर्माण हुआ था, उन अपेक्षाओं को पूरा करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। पहली लोकप्रिय चुनी सरकार थी तो सड़कें, बिजली, पानी, स्कूल, हायर एजुकेशन, रोजगार, इन सभी चीज़ों में उत्तराखंड के पर्वतीय इलाके बहुत पीछे थे। मतलब मैं अपनी विधानसभा की बात कर रहा हूँ, जब मैं विधायक बना तो मेरी विधानसभा में कुल मिलाकर के सड़कों की लंबाई 341 किलोमीटर होती थी मात्र, और उस 341 किलोमीटर में 140 किलोमीटर राष्ट्रीय हाईवे था। मेरा विधानसभा क्षेत्र होता ना होता, तब भी उन सड़कों ने रहना था, तो सड़कें बची 201 किलोमीटर मात्र, और उन 201 किलोमीटर में 70 किलोमीटर एक खाड़ी से देपराग सड़क थी जो आधा कच्ची थी, जो मोटर रोड थी, और ऐसे ही 19-20 किलोमीटर एक सड़क थी जो गजा से नकोट जाती थी, वो पूरी तरह कच्ची थी, 100 से 120, और एक मोटर रोड आपकी थी कुंजापुरी देवी के लिए जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अनटाइड फंड से बनी थी। इसके अलावा बाकी जितने मार्ग थे सब लाइट वर्किंग रोड, और 171 सड़कों के नए हमने शासनादेश मुख्यमंत्री तिवारी जी के नेतृत्व में लेकर आए, और 600 किलोमीटर नई सड़कों का मुझे 5 वर्षों के अंदर निर्माण करने का अवसर मिला। बमुश्किल 10-12% गांव इलेक्ट्रीफाइड थे, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का मौका मिला। तोकें बाकी थी, जिन तोकों को मुझे फिर अपने दूसरे और तीसरे कार्यकाल में पूरा करने का मिला, और मुझे खुशी है चाहे सड़कों का मामला हो, चाहे बिजली का मामला हो, चाहे पानी का हो, चाहे स्कूल्स का हो, चाहे हायर एजुकेशन का हो, हम लोग सैचुरेशन की स्थिति में हैं। लेकिन तिवारी जी ने जिस तरह राज्य में एक सर्वांगीण विकास के लिए स्कूल, इलेक्ट्रिफिकेशन, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, हॉस्पिटल्स की बिल्डिंग, आपके तमाम जो बुनियादी आवश्यकताएँ थी, बिजली के लिए पावर सब स्टेशन, इनको जहां एक तरफ पूरा करने का काम किया, वहां अवस्थापना सुविधाओं के माध्यम से रोजगार की संभावनाओं को बलवती बनाने के लिए सिटकुल का निर्माण कराया, 17,000 करोड़ का निवेश हुआ। तो तिवारी तिवारी थे, उनकी किसी से तुलना नहीं की जा सकती। भले तिवारी जी मुझे हमेशा कहा करते थे कि मैंने सुबोध जी जो कुछ सीखा वो स्वर्गीय बहुना जी से सीखा, कैसे प्रशासन चलाया जाता है, कैसे संगठन चलाया जाता है, क्योंकि बहुना जी और तिवारी जी बहुत करीब ही रहे हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। मैं केवल अपने क्षेत्र की नहीं, हरिद्वार की बात हो, प्रतापनगर की बात हो, घनसाली की बात हो, जौनपुर की बात हो, देहरादून की बात हो, कहीं कभी क्यों काम लिखे जाता था तिवारी जी करते थे, क्योंकि उनको लगा कि मैं एक बड़ी सोच के साथ बिना राजनीतिक वोटों के स्वार्थ से काम कर रहा हूँ, तो इसमें तिवारी जी का हमेशा आशीर्वाद रहा। लेकिन वह गति रफ्तार पकड़ पाती इससे पहले ही अगले चुनाव में आपको पोस्टल वोट्स में हरवा दिया गया और विधानसभा क्षेत्र अगले 5 सालों के लिए विकास की रफ्तार को जारी नहीं रख पाया। जब 2007 का चुनाव था और जिस दिन काउंटिंग होनी थी उस दिन तो वो जब यहाँ से टिहरी गए तो उनको मतलब उस समय वो फुल कॉन्फिडेंस में थे
कि मैं इतने 3-4 हज़ार वोट से जीतूंगा, लेकिन ये होता है कि जब होना होते जो चीज़ तो सोच नहीं सकता। उन तो जीत तो गए थे, अपने अपने जुलूस में निकल गए थे। उसके बाद पता चला कि जो दूसरी पार्टी का था उसने अपना दिखा दिया कि भाई पोस्टल बैलेट में मैच 4 वोट से जीत गया। तो उसके बाद जब वो नरेंद्र नगर उस दिन वो 3-4 बजे रात को पहुँचे हैं, तो वो जब पहुँचे तो उस दिन बहुत बड़ा मतलब इतना दुख हुआ कि काफ़ी जो सोचा भी नहीं था। मैं अब तो अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ कि 2002 से अब तक जो मैंने 4 चुनाव मुझे लड़े हैं, हमेशा ही क्षेत्र के लोगों ने मुझे जिताया। जब मुझे 4 वोट से हराया गया तब भी EVM में मैं जीता हूँ, पोस्टल बैलेट्स को इनवैलिड करके मुझे 4 वोट से हराने का काम किया गया था। तो जनता ने तो मुझे तब भी जिताया। अगर वो चुनाव एक हफ्ते के अंदर होता तो शायद मैं 15,000 से ज़्यादा वोटों से जीतता। लेकिन इस तरह की अफवाहें फैला करके लोगों को गुमराह करने का काम किया। और उसी दिन मैंने प्रण किया था कि आज सबसे बड़ी आवश्यकता क्षेत्र में है महिला शिक्षा पर जोर देने की। और मैं जब दोबारा विधायक बन के फिर आया तो मैंने महिला शिक्षा पर बहुत फोकस किया कि महिलाओं को जब तक किसी क्षेत्र में महिलाएं शिक्षित नहीं होंगी तब तक उन क्षेत्र में जागरूकता नहीं आ सकती। तो 2012 में दोबारा चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचते ही आपने विकास कार्यों की झड़ी लगा दी। गांव गांव पहुंची सड़कें और हर घर बिजली से रोशन करने का काम आपने बखूबी निभाया। फिर क्या था, यह बात चल पड़ी। सुबोध उनियाल मतलब विकास की गारंटी। हमारे क्षेत्र में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कॉलेजेस बहुत कम थे। हमारे छात्र, हमारे जो छात्राएं, हमारे जो बालिकाएं, विशेषकर बालिकाएं कहीं भी जाने में असमर्थ होती थी। सुबोध उनियाल साहब हमारे क्षेत्र के विधायक बने, उस समय से लेकर के उन्होंने हमारे क्षेत्र में इंटरमीडिएट कॉलेज स्कूल की स्वीकृतियाँ यहाँ हमारे क्षेत्र में कराई है। आज आप स्कूल के मामले में देखें, हमारी विधानसभा नंबर 1 पे 4 इसमें डिग्री कॉलेज हमारे विधानसभा क्षेत्र में और 4 पॉलिटेक्निक, ITI, 90 हाई स्कूल और इंटर कॉलेज साइज से मैं सोचता हूँ कि किसी भी अन्य प्रदेश की किसी भी अन्य विधानसभा में नहीं है। यहाँ पे राजकीय इंटर कॉलेज गजा को जो है अटल उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में स्थापित किया गया। यहाँ पर शिक्षा का स्तर जो है सुधारने के लिए उन्होंने बड़े प्रयास किए हैं। देखिए, जब मैं विधायक बना तो कुल मिलाकर के 22 हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कॉलेज मेरे विधानसभा क्षेत्र में थे। आज प्रदेश में सर्वाधिक 44 इंटर कॉलेज और 22 हाई स्कूल मेरी विधानसभा में। प्रदेश में हमारे कुल मिलाकर के 110 के आसपास डिग्री कॉलेज हैं और 95 विकास खंड हैं हमारे राज्य में। और नरेंद्र नगर ब्लॉक में 4 डिग्री कॉलेज हैं। मैंने हर क्षेत्र में कि कोई गरीब यह ना कह सके कि अर्थ के अभाव में मैं अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाया, कोई ये ना कह पाए मेरी लड़की से नहीं पढ़ पाई कि मैं लड़की को बाहर कैसे भेज दूँ। हर तरफ किस इस तरह की सुविधाएं दे करके कि ताकि हमारी जो भविष्य की माएँ हैं, जब माँ शिक्षित होगी तो निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी को एक अच्छी दिशा मिलेगी। आज के बच्चों की माएँ पढ़ी लिखी नहीं थी तो उनको वो दिशा नहीं मिल पाई जो दिशा मिलनी चाहिए थी। इसीलिए मेरा फोकस रहा कि फीमेल एजुकेशन, जब तक इसको हम डेवलप नहीं करेंगे आप अपने राज्य, अपने क्षेत्र में, अपने राज्य में जागरूकता नहीं ला सकते। पॉलिटेक्निक की जहाँ तक बात थी, आपको लगाइए पूरे प्रदेश में आज 75 पॉलिटेक्निक है, 70 विधानसभा है, 3 पॉलिटेक्निक मेरी विधानसभा में, 110 के आसपास ITI हैं, 5 ITI मेरी विधानसभा में है। तो हर चीज में मैंने कोशिश की कि क्षेत्र आगे रहे। पहाड़ पर बढ़ते जल विद्युत परियोजनाओं के दबाव में जहां एक और पलायन ने कमर तोड़ी, वहीं दूसरी ओर बिजली की सप्लाई की गुणवत्ता बहुत धीमी थी। बिजली की सप्लाई को सब स्टेशनों के माध्यम से सुचारू करने का काम सुबोध उनियाल जी ने करवाया। गजेश सिंह नेगी,
नगर पंचायत में इलेक्ट्रिशियन के पद पे नियमित हूँ। यहाँ पे जो हमारे पहले बहुत अंधेरा रहता था, जब से नगर पंचायत बनी है तब से यहाँ पे लाइट बहुत ही अच्छे ढंग से लाइट लगी हुई है। काफ़ी हुआ है यहाँ पे उनियाल जी के टाइम पे, बिजली वगैरह भी काफ़ी अच्छी यहाँ पे सब स्टेशन उनियाल जी के टाइम पे यहाँ पे सब स्टेशन बना है। अब आपको बिजली की बात कर रहा हूँ, मैंने आप तक कहा कि 10% इलेक्ट्रिफिकेशन था, 12% 10-12%, और जहाँ था भी तो वहाँ बहुत शिकायत थी कि लाइट बहुत डिम आती है, सब बच्चे पढ़ नहीं पाते। तो विधायक बनने के बाद मुझे पहले टर्म में हमारे तपोवन में एक सब स्टेशन था जो पूरी विधानसभा को बिजली देने का काम करता था, मुझे धालूवाला में दूसरा सब स्टेशन, नरेंद्रनगर में तीसरा सब स्टेशन और गजा में चौथा सब स्टेशन बनाने का अवसर मिला। दूसरे टर्म में खाड़ी में, लसेर में और गुलरडोगी में सब स्टेशन बना के मैंने सब स्टेशन की दृष्टि से भी अपने क्षेत्र को आने वाले 50 वर्षों की दृष्टि को देखते हुए संपूर्ण करने का काम किया। तीसरा, पलायन की जो बात थी आपने कही थी, पलायन को रोकने के लिए आवश्यक है कि आप रोजगार की संभावनाएं बढ़ाएं। रोजगार की संभावनाएं बढ़ाने के लिए है कि आप ग्रामीण क्षेत्रों का शहरीकरण करें, क्योंकि आज की आवश्यकता है अर्बनाइजेशन ऑफ द रूरल एरियाज। जब तक रूरल एरियाज का अर्बनाइजेशन नहीं करेंगे आप रोजगार की संभावना भी नहीं बढ़ा पाएंगे और उसके साथ साथ वो पलायन को नहीं रोक पाएंगे। तो मैंने पहली बार 2002 में गजा को इस दृष्टि से चुना कि भविष्य में इसको एक नगर के रूप, भविष्य के शहर नगर के रूप में इसको डेवलप करना। और छोटे से गजा के अंदर जब मैंने अपनी दृष्टि से पहले उप तहसील बनाई, उप तहसील बनाने के बाद जब दूसरा टर्म मुझे मिला उस उप तहसील को अपग्रेड करके तहसील दी बना दिया, पॉलिटेक्निक गजा में दे दिया, गजा के अंदर माली ट्रेनिंग सेंटर दे दिया और उसके बाद गजा को नगर पंचायत का स्वरूप दिया। तो आज गजा एक भविष्य के बड़े नगर के रूप में आगे बढ़ रहा है। इसी तरह पाव की देवी में एक जगह है लोगी पट्टी में, अगर मैं भूत की दृष्टि से काम करता तो मैं जो मैंने 7-8 चीज़ें एक साथ पौकी देवी दी उनको अलग अलग गांवों में बांट के भूत की दृष्टि से काम करता। मैंने इस दृष्टि से काम किया कि दोगी पट्टी का भविष्य का एक नगर के रूप में बागी पौकी देवी स्थापित हो। मैंने डिग्री कॉलेज, तहसील, ITI, पशु अस्पताल, एलोपैथिक अस्पताल, गेस्ट हाउस सारा एक ही इलाके में दिया और अलग अलग दिशाओं में इनका निर्माण कराना प्रारंभ किया ताकि आने वाले 10-15 सालों में ये गजा का, ये हमारे दोगी क्षेत्र का एक नगर बन जाए और लोग बजाय नीचे बसने के अपने ही क्षेत्र में अपनी संस्कृति को बचाने का काम करें। इसी आपने देखा गजा नगर पंचायत बनी, ढालूवाला ग्रामीण क्षेत्र को भी मैंने नगर पालिका बनाने का काम किया, अभी हाल में आपने देखा तपोवन को भी हमने नगर पंचायत बना दिया। आज पूरे प्रदेश में संभवतः एक विधानसभा जहाँ 2-2 नगर पालिकाएं और 2-2 नगर पंचायतें हों संभवतः दूसरी नहीं होंगी। और इसी दृष्टि से पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज जो नरेंद्रनगर में बना है आज अपने आप में पूरे राज्य का अकेला पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज है। ये बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है, ये विकास भवन बनाया गया है यहाँ। पहले इस विकास खंड में नए नगरीय नाम से फगोट में होता था, ये राजा के जमाने के टीन सेट बने हुए थे। पहले पुराने जमाने में जब मीटिंग होती थी तो लोगों को अंदर जगह नहीं मिलती थी और बाहर में दरी बिछा के सब करना पड़ता था, जनप्रतिनिधियों भी बाहर में। इस समय माननीय उनियाल जी ने इसमें इस बिल्डिंग को उत्तराखंड में ऐसी दूसरी बिल्डिंग है ये जो ये विकास भवन बनाया गया, इसका अंदर पूरा लोकेशन बिल्कुल आधुनिक बनाए तरीके से बनाया गया है। तो ये सड़कें 20 साल से लोग बहुत 20 साल से इनकी मांग कर रहे थे और ये सड़क यहाँ से फगोड़ से और ये जाजुल सिपरी मोटर मार्ग में मिलेगी जिससे पल्ली तरफ के 15-20 गांव के लिए ब्लॉक ऑफिस आने के लिए सरल हो गया, नहीं तो उनको 40 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता था। नरेंद्रनगर से रानी पोखरी होकर एक सड़क देने का काम किया, नरेंद्रनगर से सुपुरी एक दूसरी सड़क दी, इधर नरेंद्रनगर डोर गुजराड़ा सड़क दी, इधर इसकी तरफ नरेंद्रनगर ओणी सड़क दी, नरेंद्रनगर पाथो सड़क दी ताकि नरेंद्रनगर का एक्सपेंशन हो और भविष्य के नरेंद्रनगर को एक महानगर बनाने की दृष्टि से नरेंद्रनगर से 7 किलोमीटर दूर हमें डिग्री कॉलेज बनाया, नरेंद्रनगर से दूसरी डायरेक्शन में 7 किलोमीटर दूर पार्वती क्षेत्र की टिहरी उत्तरकाशी की पहली मंडी का निर्माण किया, वहाँ से करीबन 3 किलोमीटर और आगे सेंटर ऑफ एक्सलेंस ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग बनाया,
उससे दूसरी डायरेक्शन में 5 किलोमीटर आगे मैंने नवोदय विद्यालय बनाया। मेरा ये है कि जब तक आप एक्सपेंशन की दृष्टि से काम नहीं करोगे तब तक किसी नगर का विकास नहीं हो सकता। तो उसी दृष्टि से मैं काम कर रहा हूँ कि हमारा जो भविष्य में पहाड़ों के अंदर एक बड़े बड़े नगर हों और ये बड़े बड़े नगर जो है पहाड़ के नौजवानों को रोजगार देने के साथ साथ पलायन को रोकने का भी काम। हे भजी सुबोध तुमने ता पहाड़ी माँ बहनों की सेवा माँ रेंदा ग्वाड़ी। लेकिन केंद्र और राज्य की सरकारों के बीच तालमेल ना हो पाना कभी कभी आड़े आता था और कांग्रेस का तंत्र पूरी तरह व्यक्तिवादी होता जा रहा था। इसीलिए आपने कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया। एआईसीसी का अधिवेशन था और उस अधिवेशन में राहुल गांधी जी 1 घंटा बाद पहुंचे और पहुंचने के बाद उन्होंने उसमें महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से, उत्तराखंड से, जम्मू कश्मीर से और हिमाचल से 5 राज्यों के एआईसीसी मेंबर्स एकत्रित थे और अचानक राहुल गांधी आए और बिना किसी को हेलो हाई करके, हाँ तो बताइए कांग्रेस क्यों हारी। तो मध्य प्रदेश के एक साथी ने कहा कि साहब कांग्रेस इसलिए हारी, वो कारण बताने लगा, नहीं इसलिए नहीं हारी, गुटबाजी से हारी। तो मुझे लगा कि जब आप किसी से सवाल पूछ रहे हैं तो आप जवाब स्वयं को जब सोच के हो तो आप सवाल पूछ क्यों रहे हो। तो यह लगा कि एक अपरिपक्व नेतृत्व तो कांग्रेस को बर्बादी के रास्ते पर ले जा रहा है। ऐसी स्थिति में मुझे याद है गुलाम नबी जी, स्वर्गीय मोतीलाल बोरा जी, जनार्दन द्विवेदी जी, अंबिका सोनी जी, इन 4-5 नेताओं से हम लोग मिले। अब बहुत स्पष्ट मैंने उनसे कहा, मैं सर मेरे पास तो उम्र है कि मैं कांग्रेस में रह के भी इंतजार कर सकता हूँ और कांग्रेस छोड़ भी सकता हूँ क्योंकि कांग्रेस ने मुझे कुछ दिया तो नहीं है, जो कुछ दिया हम ही ने कांग्रेस को दिया। उनका आपके पास न तो उम्र है और ना इंतजार का समय है, एक बार जाकर सोनिया जी को समझाएं कि इस अपरिपक्व नेतृत्व के हाथ में कांग्रेस को सौंपकर इस विरासत को आप खत्म करना चाहते हैं। और जब मिलने का समय नहीं मिला और रावत जी उलझुल बात करने लगे, एक ऐसी पार्टी जिसने इतने वर्षों तक शासन किया हो सिमट के 44 पे आ गई और कांग्रेस में हमारा जो निर्णय था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोग विधायकी छोड़ के गए, सत्ता छोड़ के गए, विपक्ष में गए, हमने किसी लालच में नहीं गए, हमने विधायकी छोड़ी, सत्ता पार्टी छोड़ी और केवल अन्याय के खिलाफ और भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोगों ने पार्टी छोड़ने का निर्णय लिया। और उसके बाद सभी साथियों ने, जो 10-11 साथी, विजय बहुना जी और हरक सिंह जी और तमाम हमारे साथी थे, सब लोगों ने एक होकर निर्णय लिया कि आज की परिस्थितियों में मोदी जी के नेतृत्व को जिस तरह देश स्वीकार कर रहा है उस पर शामिल होकर के हमें अपनी इस लड़ाई, उत्तराखंड के विकास की लड़ाई को आगे बढ़ाना होगा और हम लोग भाजपा में शामिल हुए। और मुझे खुशी है कि हमारे निर्णय पर 2017 में इस प्रदेश की महान जनता ने मोहर लगाई और हरीश रावत जी को दोनों सीटों से हराने का काम किया और कांग्रेस का सूबड़ा साफ करके इस राज्य के निर्माण के बाद की सबसे बुरी हार से वो 11 पर सिमट के आ गए और 57 पहली बार इस राज्य के चुनाव में पार्टी बड़े बहुमत के साथ सत्ता में आई, कोई भी पार्टी। तो ये जनता की हमारे निर्णय पर मोहर थी। मोदी जी की कल्याणकारी नीतियों और कार्य कुशलता से प्रभावित हो आपने एक बार फिर नए तरीके से क्षेत्र को संवारने का काम शुरू कर दिया। इसमें चाहे स्कूल का निर्माण हो, पॉलिटेक्निक खुलवाना हो, ITI बनवाने हो, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर और माली ट्रेनिंग सेंटर जैसे काम हो, यह तमाम छोटे छोटे क्षेत्रों को विकसित कर नगर पंचायत, नगर पालिका बनवाना हो या फिर कृषि और उत्पादन के क्षेत्र में विदेशी तकनीक के माध्यम से स्वदेशी चीजों का उत्पादन और ब्रांडिंग करना हो, आपका काम अतुलनीय रहा है। मंत्री बनने के बाद इन 5 वर्षों में पूरे देश में 9 अवार्ड सेरेमनी हुई, 17-18 में कृषि कर्मणा, 18-19 में कृषि कर्मणा, 17-18 में बेस्ट ऑर्गेनिक स्टेट, 18-19 में बेस्ट ऑर्गेनिक स्टेट, 17-18 में ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग में जो अवार्ड सेरेमनी,
और 18-19 में इसमें अवार्ड सेरेमनी। उसके बाद इसके अलावा अभी 8-9 महीने पहले पहली बार पिछले 5 वर्षों में, क्योंकि कोविड के कारण कई सेरेमनीज नहीं हो पाई थी, इस देश में उद्यान को लेकर के अवार्ड सेरेमनी भी, और अभी सोलन में करीबन 2 महीने पहले एक ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर के अवार्ड सेरेमनी भी। मुझे इस बारे में बहुत अपने ऊपर गर्व भी है और खुशी भी है कि मैंने अपनी जिम्मेदारियों का इस तरह पालन किया कि इन 9 के 9 अवार्ड सेरेमनी में उत्तराखंड पहले स्थान। कृषि उत्पादों की ब्रांडिंग, मंडी एवं विपणन व्यवस्था को सुचारू कर किसान को मजबूत किया। आपको मालूम है आज हमारे हरसिल का सेब कश्मीरी सेब को टक्कर देता है, चाहे ड्रिपिंग माध्यम से सिंचाई हो या फसल चुनने की बात। आपने कृषि मंत्री के रूप में यहाँ के किसान को स्मार्ट बनाया। हमारे राज्य में 70% ज्यादा फॉरेस्ट एरिया है और स्मॉल लैंड होल्डिंग है, लोगों के पास जमीन बहुत कम है, लेकिन 65% लोग कृषि पर आधारित है। जब तक इस 65% कृषि पर आधारित आदमी की आर्थिकी को नहीं सुधारेंगे, हम इस राज्य को वास्तविक तौर पर प्रोग्रेसिव स्टेट नहीं बोल सकते। और सौभाग्य से मेरा कृषि मंत्री बनना और प्रधानमंत्री जी का कृषि को किसानों के लेकर के एक डबलिंग द इनकम ऑफ द फार्मर, किसान की आय को 2022 तक दुगना करने का एक संकल्प, कोइंसिडेंटली ये दोनों साथ साथ आए, तो मुझे मौका मिला। भारत सरकार में मैं लगातार भाग दौड़ किया और मुझे खुशी हुई कि 17 वर्षों में जितना बजट इस राज्य को मिला था भारत सरकार से, उससे दुगना बजट मैं इन 5 वर्षों में लाया हूँ। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि आज चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो इनपुट का, हमने किसान को देश के अंदर सबसे ज्यादा सब्सिडी देने का काम कर, खाद बीज दवाइयाँ और बर्मी पीट, ताकि वो खाद के माध्यम से जैविक खेती के माध्यम से अपनी आजीविका बढ़ा सके। हमने जैविक, मैं जब मंत्री बना तो जैविक हम अपने राज्य में कुल 2.3% जमीन पर जैविक खेती कर पा रहे प्रमाणिक तौर पर, क्योंकि बिना प्रमाणिकता के आपकी जैविक का कोई मतलब नहीं है। वैसे तो हम बाई डिफॉल्ट जैविक है, लेकिन आज 2.3% जो हम जैविक खेती कर रहे थे, मुझे खुशी है कि आज हम राज्य देश का पहला राज्य है जो 50% जमीन पर जैविक खेती करके सर्वाधिक क्षेत्र पर जैविक खेती करने वाला राज्य बना है, और हजारों की संख्या में बरसाती टैंक बनाए ताकि इन बरसाती टैंकों के माध्यम से पानी की उपलब्धता हो और ड्रिप इरीगेशन के माध्यम से किसान अपने खेतों में सिंचाई कर सके। हमारे यहाँ का जो उत्पाद है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, हमारे जितने भी हैं, चाहे वो हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस हो चाहे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो, इनमें एक औषधीय गुण है। संजीवनी भी हमारे महल से निकली और आपने, हमने भी बचपन से पढ़ा कि संजीवनी, जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए तो हनुमान जी संजीवनी हिमालय से लेके आए और लक्ष्मण जी को जीवित किया। तो जब औषधीय गुण हमारे उत्पाद में है, अगर उस गुण को दुनिया के सामने अगर प्रोजेक्ट नहीं किया जाएगा तो हमारे उत्पाद की डिमांड कैसे बनेगी, हमारा उत्पाद एक ब्रांड के रूप में कैसे एस्टेब्लिश होगा। तो अपने उत्पाद की विशेषता को दुनिया तक पहुंचाना, अपने उत्पाद को दुनिया में एक ब्रांड के रूप में स्थापित करना, इसके लिए आवश्यक है कि आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको इंट्रैक्शन के माध्यम से, इवेंट्स के माध्यम से उसकी वैरायटी या प्रॉपर्टी जो है उन तक पहुंचाएं, ताकि जब ये प्रॉपर्टी उन तक पहुंचेंगी तो नेचुरली हमारे उत्पाद की डिमांड बढ़ेगी, और जब हमारे उत्पाद की डिमांड बढ़ेगी तो हमारा किसान सक्षम होगा, मजबूत होगा, और जब किसान सक्षम मजबूत होगा तो निश्चित रूप से राज्य मजबूत होगा। पहाड़ का जीवन कितना कठोर है, उसे स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी और दुर्बल बना देती है, जिसे भांप कर सुबोध उनियाल जी ने जगह जगह अस्पताल एवं स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना करवाई एवं बढ़ते हुए पलायन के दबाव को भांप छोटे छोटे क्षेत्रों को नगर पंचायत और नगर पालिका एवं नगर पालिका परिषद की मान्यता दिलवाई, ताकि उन क्षेत्रों का सामरिक विकास हो सके, और आज ये क्षेत्र अपनी क्षमताएं विकसित कर पर्यटन के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। मेरा नाम डॉक्टर संदीप कुमार गुर्जर है।
और मैं यहाँ का प्रभारी चिकित्सा अधिकारी हूँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खाड़ी का। इस अस्पताल को जो है काफ़ी ग्रोथ करते हुए देखा है। जो आधारभूत सुविधा यहाँ पहले थी बहुत कम थी, अब उनमें बहुत ही बढ़ोतरी हो गई है। मेरा नाम विकास कुकरेती है और मैं नज़दीकी गांव कफूल गांव से बिलोंग करता हूं। जो ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है खाड़ी का, जो कि माननीय सुबोध उनियाल जी के कार्यकाल में बना था, जब हॉस्पिटल नहीं था यहां पे तो लोगों की बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती थी। लोगों को आज की डेट में ये है कि अगर बहुत सीरियस प्रॉब्लम भी है किसी को तो प्राथमिक उपचार यहां से लेकर, अगर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन है तो उसको रेफ़र कर दिया जाता है। हॉल में हमारे 10 बेड का अरेंजमेंट है, जो हमने पीडिया वार्ड बच्चों की सुविधा के लिए बनाया था। ये हमारा आईसीयू वार्ड है जो 6 बेड का है, ये भी हमें माननीय मंत्री जी के द्वारा संभव हो पाया है। तो इसमें हमने 6 बेड रखे विद ऑक्सीजन और कॉन्सेंट्रेटर के साथ हमने यहाँ रखा हुआ है। यहाँ पर डिफिब्रिलेटर भी है और 5 पैरा मोनिटर भी है। भविष्य में ये सुविधा है और ऑक्सीजन प्लांट आप देख ही रहे सामने। मैं डॉक्टर अनिल नेगी, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक उप जिला चिकित्सालय नरेंद्रनगर टिहरी। वर्तमान में हमारे पास कोविड के लिए 128 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स हैं। अब चिकित्सालय में 7 बेड का आईसीयू स्थापित किया गया है एवं बच्चों के लिए 4 बेड का एनआईसीयू एवं 4 बेड का पीआईसीयू स्थापित किया गया है। हम पर्वतीय क्षेत्र में, मेरी विधानसभा पर्वतीय क्षेत्र की विधानसभा है। नरेंद्र नगर में 200 बेड, मुनिग्रेती में भी हमने 200 बेड लगाए और 150 बेड हम पहला पूरे प्रदेश की अकेली सीएचसी खाड़ी है जहां पर 100 बेड हमने लगाए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, उन 100 बेड के अस्पताल को तैयार करने में कोविड के लिए, कि भविष्य में इस तरह की संभावना हो तो हम लोग तत्काल इस लोगों को, क्योंकि कोविड में मौत का बहुत बड़ा कारण था कि लोगों ने जब लोगों को मरते देखा तो घबराहट आई और सारे चेहरे अनजान होते थे। अपने इलाके के अस्पताल में जब आदमी रहेगा तो एक दूसरे का परिचय रहने में उसको हिम्मत देने का काम करता है। इस नियत से हम लोगों ने खाड़ी के अस्पताल को 100 बेड किया और मुझे खुशी है कि मेरे मित्रों ने मदद की। सारे कंसंट्रेटर मुफ्त में, सारे ऑक्सीजन सिलेंडर मुफ्त में, सारे बेड मुफ्त में, सारे सुविधाएं जो अस्पताल में होती हैं मुफ्त में। सीएसआर के अंतर्गत हमने ऑक्सीजन प्लांट भी वहाँ पर लगा दिया और इसके अलावा पहली सीएससी भी होगी ये भी प्रदेश की, जहां हमने पीकू भी स्थापित किया, बच्चों का आईसीयू भी स्थापित किया। तो ये अगर जनप्रतिनिधि अपने प्रभाव से अपने मित्रों को, यारों को, परिचितों को और कहेगा तो निश्चित रूप से लोग मदद करते हैं, ऐसे तमाम लोग हैं। तो आज चाहे नरेंद्र नगर का हॉस्पिटल हो चाहे खाड़ी का हॉस्पिटल हो, आज दोनों एक परफेक्ट हॉस्पिटल के रूप में काम कर रहे हैं। पर्यटन के क्षेत्र की बात करें तो सुबोध उनियाल जी के द्वारा किए गए कार्य मिसाल हैं, जिसे ना सिर्फ आने वाली पीढ़ियां सदियों तक याद रखेंगी अपितु आने वाले समय में इस क्षेत्र को विकास की इन निशानियों से पहचाना जाएगा। चाहे जानकी सेतु हो या निर्माणाधीन बजरंग सेतु, न केवल आम जनमानस के जीवन को सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं बल्कि गंगा नदी के तट पर अयोध्या पथ के नाम से बने तट पथ आध्यात्मिक नगरी होने के एहसास को जीवंत कर देते हैं। अस्त होते सूर्य की लालिमा के साथ सांध्यकालीन आरतियों में जलते दियों की हजारों बातियां आध्यात्मिकता का अनुपम एहसास कराती हैं। जिन्होंने विकास के लिए किया एक शोध है, उन्हीं का नाम भाई सुबोध है। सुबोध भाई साहब ने तपोवन क्षेत्र में जितने विकास कार्य किए हैं वर्तमान में और इससे पूर्व में किसी भी विधायक के द्वारा इस प्रकार के कार्य कभी नहीं किए गए। कभी यहाँ पर शौचालय नहीं हुआ करते थे और यहाँ पर जो सब गहन हो रहा है, यहाँ पर जो टीन सेट और ये घाट बनवाया गया ये उन्हीं की देन है, जैसे आज सब देन वहाँ आसानी से हो सकता है। यहाँ पर जो लकड़ियों का जो ताल बनवाई गई है उन्हीं की देन है और इस जगह पर आज सुबोध उनियाल के कारण यहाँ के जनता काफ़ी खुश है।
सो दुनियाल एक विकास पुरुष है। हम अपने को फक्र महसूस करते हैं कि नरेंद्र नगर विधानसभा में हमें सुबोध उनियाल जी की लीडरशिप में अपना जीवन यापन करने का मौका मिला। हम उनकी नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं। और हम जैसे ये लक्ष्मण झूला जो एक की बहुत पुरानी धरोहर है, उसके साथ साथ ही हम देख पा रहे हैं कि बजरंग सेतु का एक यहाँ पे निर्माण कार्य किया जा रहा है। पर्यटन का जितना स्कोप है यहाँ पे उस चीज को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे अभी बजरंग सेतु का निर्माण किया जा रहा है, जो माननीय मंत्री श्री सुबोध उनियाल जी द्वारा अभी रिसेंटली 69 करोड़ का बजट इसके लिए पास हुआ है। देख सकते हैं आप, काम भी इसके लिए चल रहा है। तो सबसे बड़ा जो उन्होंने कार्य कराया है कि इस क्षेत्र को नगर पंचायत का अभी उन्होंने दर्जा दिलाया है। ये नवनिर्वाचित एक हमारी तपोवन नगर पंचायत बनी है। मेरा जुनून ये था कि ऐसा कुछ करो कि लोग बरसों याद करें। मैंने चाहे वो जानकी सेतु, चाहे 69 करोड़ की लागत से जानकी सेतु, आप देखिए बहुत खूबसूरत है, जिसने कहीं ना कहीं इस इलाके की खूबसूरती को बढ़ाकर रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाने के साथ साथ यात्रियों को भी आकर्षित करने का काम किया। इसी तरह हम बजरंग सेतु बना रहे हैं, 69 करोड़ की लागत से बन रहा है, तो बजरंग सेतु भी आने वाले समय में लक्ष्मण झूला जो हमारा पौराणिक पुल था उसको हम सुरक्षित करते हुए, उसको हेरिटेज दृष्टि से हम उसको प्रिजर्व करके आने वाले समय के लिए यात्रियों के आकर्षण का केंद्र बनाने के साथ साथ लोगों के आवागमन की सुविधा के साथ साथ एक देखने लायक चीज़ के लिए हम लोग बजरंग सेतु का निर्माण कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हमें ऐसी योजनाएं लानी पड़ेंगी, ऐसी अवस्थापना सुविधाएं देनी पड़ेंगी जिससे लोगों को रोजगार मिले। और किस तरह से हम राफ्टिंग, हमारा करीबन 5,000 परिवारों को राफ्टिंग यहाँ पर रोजगार दे रही है, पाल रही है, उस राफ्टिंग को और बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान करके इनकी भी आय बढ़े, हमारे यहाँ टूरिस्ट भी बढ़े। देखिए जब आपकी राफ्टिंग के धंधे की व्यवसाय की इनकम बढ़ेगी तो होटेलियर्स की इनकम बढ़ेगी, जब होटेलियर्स की इनकम बढ़ेगी तो दुकानदारों की इनकम बढ़ेगी। तो ये हर चीज़ें एक दूसरे की पूरक है। तो किस तरह से जो चाहे योगा का सेक्टर हो, चाहे वो राफ्टिंग एडवेंचर टूरिज्म का सेक्टर हो, चाहे रिलीजियस सेक्टर हो, इन सबको किस तरह से एक बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज करके इसका फायदा हमारे लोगों को मिल सके, हम काम कर रहे हैं। इसी दृष्टि से आपने देखा कि राम झूला यहाँ पर स्थापित था, लक्ष्मण झूला यहाँ पर बना था, हमने नए सेतु को जानकी सेतु का नाम दिया। मैंने इस भावना से उठ हट के कि ऋषिकेश का विधायक नहीं हूँ, उसके बावजूद ऋषिकेश से लेकर मुनिरत्न तक का आस्था पत्र नरेंद्र तिवारी जी ने स्वीकृत कराया। आज उसमें जो घाट है, एक घाट का नाम भरत घाट का नाम दिया, और जो शत्रुघ्न मंदिर हमारे यहाँ ऑलरेडी स्थापित है, और इसके बाद जो आस्था पथ है इसको हमने अयोध्या पथ का नाम दिया। कर्मणेर वाधिका रस्ते महापलेषु कदाचित्, कर्म करे जाए फल की चिंता मत करे इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। तो आपको अपने काम करते रहना चाहिए, बाकी डेस्टिनी है, जिसकी डेस्टिनी में जो लिखा है वो मिलेगा ही मिलेगा, बस आप सकारात्मक सोच के साथ काम करते रहिए। और टारगेट हमेशा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि मैंने एक चीज़ हमेशा बच्चों को कही है, स्कूल में जाकर बच्चों को एक चीज़ कहता हूँ कि दुनिया के किसी लक्ष्य में इतनी ताकत नहीं है कि वो इंसान की हिम्मत को हरा सके। हमेशा बड़े लक्ष्य की हिम्मत करके चलना चाहिए, सफलता मिलेगी ही मिलेगी, बस आप सकारात्मक सोच से काम करते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ। और मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरा जुनून विकास, और विकास की भावना के साथ अगर ये जुनून सब में हो जाए जनप्रतिनिधियों में, तो मैं समझता हूँ हमारा राज्य निश्चित रूप से जो अपेक्षाएं शहीदों ने की थी, जो अपेक्षाएं आंदोलनकारी ताकतों ने की थी, जो अपेक्षाएं एक व्यक्ति को अपने चुने हुए जनप्रतिनिधि होती है, उन अपेक्षाओं को आने वाले समय में हर जनप्रतिनिधि पूरा करने का काम करेगा। और जब ये काम पूरे होंगे तो निश्चित रूप से एक प्रॉस्परस स्टेट होगी, और हमें बड़ा गर्व से कह सकते हैं कि हम हैं सबसे आगे। आज हमारे बीच थे काबीना मंत्री सुबोध उनियाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपको भविष्य के लिए शुभकामनाएं।